तुम्हारी मेरी बातें, तुम्हारी मेरी बातें। मूवी तो आ भी गई, लोगों ने देख भी ली, कुछ पर असर भी हुआ होगा, कुछ ने एंटरटेनमेंट के लिए देखकर पॉपकॉर्न खाकर सब कुछ भुला भी दिया होगा, मगर कुछ लोग हैं जो इस दिशा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। 94.3 माय एफएम पर तुम्हारी मेरी बातें लेकर मानसी आ चुकी है पिंकिश एनजीओ। हेलो मैम, तो आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि आपके एनजीओ सेनेटरी पैड्स अवेयरनेस को लेकर क्या करने जा रहा है, जिसके बारे में आप ग्वालियर राइट्स को बताएं। मैं अदिति त्रिवेदी, पिंकिश ग्वालियर गर्वेटा की लीडर हूँ। हमारा मेन मोटिव है पैड बैंक खोलने का। जो अभी जैसे मानसी जी ने पूछा मुझसे, तो 17th को जो मैं एक ही हमारे पुरानी छावनी में गवर्नमेंट स्कूल है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, उसमें हम 250 गर्ल्स को, जो 9th से लेके 12th स्टैंडर्ड तक की गर्ल्स हैं, उनको हम पैड डोनेट करेंगे। और वो पैड हम डोनेट करेंगे, साथ ही साथ हमारे जो साथ में जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, हमारी जो टीम है, वो उनको बताएंगे कि प्रॉपर मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन है उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और हम आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे हाइजीन को, तो उससे क्या क्या डिसइफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या इन्फेक्शन और बीमारियां हो सकती हैं। जो हमने जो सर्वे किया है ऑल ओवर इंडिया में, उस सर्वे के हिसाब से 88% जो हमारे यहाँ जो इंडियन लेडीज हैं, उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि पीरियड्स के समय कुछ ऐसा पैड्स वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, कपड़े वगैरह के बारे में तो ठीक है कई जो जानते हैं, पर आप लोग सुन के बहुत आपको आश्चर्य होगा कि कई लड़कियां और कई लेडीज ऐसी हैं जो कि ये जो राख होती है, पत्तियां होती हैं, और आपने से ये काउडंग यानी कि गोबर और मड, ये सब यूज करते हैं पीरियड्स के समय। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अवेयर भी हैं, पर बिचारों के पास इतना अमाउंट नहीं है कि वो सैनिटरी पैड्स वगैरह ले सके, तो इसलिए हमने ये चीज चालू करी है, ये डोनेशन की ड्राइव शुरू करी है। दैट्स रियली अ नोबल कॉज मैम। कहीं मत जाएगा ग्वालियर राइट्स, क्योंकि थोड़ी सी देर में पिंकिश एनजीओ की मेंबर डॉक्टर पूजा आहूजा जी से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सुनते रहिए 94.3 माय एफएम मानसी के साथ, आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सैनिटरी नैपकिन, कोई भी जो गर्ल्स होती हैं वो एक ही पैड को काफी लंबे समय तक वेयर करती हैं, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि अगर वो पैड ज्यादा देर तक वेट पैड को यूज करती हैं, तो इससे वो जो लोकल स्किन होती है वहाँ की, प्राइवेट पार्ट की, इट गेट्स इरिटेशन, वहाँ पर इचिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि गंभीर फंगल स्किन इन्फेक्शन में रिजल्ट कर सकती है। इसके अलावा कई फीमेल्स को गैस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो दे कैन यूज प्रोबायोटिक्स, लाइक दही में अच्छे प्रोबायोटिक होते हैं, इससे गैस की समस्या भी दूर होती है। Have at least 10 minutes walk daily. ये भी एक taboo है कि periods में exercise नहीं करना चाहिए. Definitely hard work exercises should be avoided. But a brisk walk can definitely aid you in a better lifestyle. मतलब आपके cramps को reduce करेगा, आप healthy रहेंगे, आपको भूख अच्छी लगेगी, metabolism को better करेगा। थोड़ी सी देर में हमारे साथ पिंकिश एनजीओ की मेंबर दिशा हबनानी जुड़ने वाली है, उनसे बातचीत का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 94.3 माय एफएम मानसी के साथ जियो दिल से।